बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। जेवर ने आज आह्वान किया था यहाँ पर, आज किसान पंचायत हो रही है। राकेश टिकैत जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ की काफ़ी भीड़ है यहाँ पर देखिए। किया था जिस मंडी कानून को
चौधरी चरण सिंह द्वारा किए गए चार दस्तावेज को 1937 में चौधरी छोटू राम के द्वारा लागू किया गया था। ये वो कानून है जो हमारे राम और कृष्ण थे किसानों के, चौधरी छोटू राम और चौधरी चरण सिंह, उनके माध्यम से ये कानून बनाया गया था। उस कानून को हाथ लगाने का काम इस सरकार ने किया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में ये लिखा कि देश में जो मंडी व्यवस्था, जो हरियाणा और पंजाब की मंडी व्यवस्था है, वो पूरे देश में उसको लागू करने की आवश्यकता। एक मंडी से दूसरी मंडी के बीच का फासला 9 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि किसान अपनी फसल को, अपने उत्पादन को आसानी से मंडी तक पहुंचा सके। लेकिन उन्होंने मंडी का इलाज कर दिया, मंडी के बराबर में एक प्राइवेट मंडी खत्म कर दी। अभी मंडी का वजूद है, अभी प्राइवेट मंडी पे बैन। लेकिन कई राज्य सरकारों ने इस कानून को, नए कानून को लागू कर दिया, और अभी एक साल नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में 66 मंडी बंद हो गई है और 90% मंडियों में तनख्वाह देने की व्यवस्था नहीं है, आवक खत्म हो गई है। और मध्य प्रदेश में ही नहीं, अमर राकेश जी गए थे आंध्र प्रदेश के अंगोल डिस्ट्रिक्ट में, हम एक मीटिंग करने गए थे, मंडी के कार्यालय में रुके थे, मंडी का सचिव आया, उसने कहा कि मंडी चली गई है, तनख्वाह देने का पैसा नहीं। हरियाणा में गेहूं के सीजन पे मंडियों में बारदाना नहीं आया, 40 मंडियों में बारदाना नहीं आया, और कह दिया अडानी के गोदाम उस पे जाके अपना सामान उतारें, मंडी में बारदाना नहीं आएगा। एक तरफ तो ये चिल्ला रहे कि मंडी खत्म नहीं होगी। अभी आपने 15 दिन पहले देखा होगा, एक खबर आई कि 100 करोड़ रुपया मंडियों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने दिया, याद है किसी को? अभी आई थी। वैसे हमारी याददाश्त कमजोर बहुत है, 2-4 दिन में छोड़ देते हैं खबर को। हमारे किसान मोर्चे ने एक दस्तावेज जारी किया और हमने एक एक पैसा बताया, 100 करोड़ का खर्चा कहां कहां होना है वो उसमें लिखा है, और वो हमने श्वेत पत्र जारी किया, किसान के लिए एक पैसे का भी प्रावधान उसमें नहीं है। जितना भी पैसा वो लगेगा वो एग्री बिजनेस में जो लोग जुड़े, जो कृषि क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं, उनके वेलफेयर और उनको बढ़ाने के लिए लगाया जाए। ये निरंतर झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री बार बार कहता MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। हमारी मांग MSP थी और रहेगी ये नहीं है। हम भी जानते हैं कोई सरकार आ जाए MSP को नहीं हटा सकती, लेकिन मांग ये है एक एक दाना जो किसान पैदा करता, एक एक फसल जो किसान पैदा करता, चाहे वो अनाज पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, दूध का उत्पादक है, मछली का उत्पादक है, या अंडे का काम है उसका, एक एक किसान के द्वारा एक एक चीज जो किसान पैदा करता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिकनी चाहिए। चाहे सरकार खरीदे या बाजार खरीदे, हर चीज की न्यूनतम कीमत तय होनी चाहिए। वो झूठ बोल रहा है देश को। प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के व्यक्ति बार बार झूठ बोले, गुमराह करे। हमसे बहुत लोग कहते हैं प्रधानमंत्री कह तो रहा है MSP जारी रहेगी। अरे ये मांग नहीं है हमारी MSP जारी रहेगी, हमारी मांग है MSP पे खरीद होगी। मूंग का भाव है 7,500 रुपए भाव है, किसी की 3,500 बिकी, किसी की 3,700 बिकी, कोई ज्यादा बेची हुई 4,000 बेच आया। क्यों, क्या करेंगे उस MSP का? गेहूं का रेट था 1975 रुपए, आपका तो मुझे नहीं पता, मेरा आना नहीं हुआ आपकी दफे। दिल्ली में नरेला मंडी में मैंने एक दिन जाके अचानक चेक किया, 1776 रुपए में नरेला मंडी में बिक रहा था।
199 रुपए कम भाव पे गेहूं दिल्ली में जब बिक रहा है तो दूर के प्रदेशों में क्या पोजीशन होगी? 1600 बिका। तो मैं कहना ये लड़ाई ये है, किसान जिंदा कैसे रहेगा? हमको किसान क्रेडिट कार्ड दिया, यही सरकार थी 1999 से 2004 के बीच में। हम एक आंदोलन कर रहे थे, यहाँ के बहुत लोग थे उस आंदोलन में। हमने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसान की मौत का दस्तावेज है। जब तक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, कर्जे को लौटा नहीं सकता, और कर्जा नहीं लौटाएगा तो उसकी जमीन जाएगी, क्या वो आत्महत्या करेगा? हमको कर्जा नहीं चाहिए, हमको लागत पे लाभकारी मूल्य चाहिए। ये हमारी लड़ाई, आपको कर्जा दे रहे हर साल कह रहे हैं कि 10% कर्जे की और प्रावधान कर दिया। कर्जा एक षड्यंत्र के तहत दिया जा रहा है आपको, एक जाल में आपको फंसाया जा रहा है। कर्जे के जाल में आप फंस जाएंगे और एक दिन वो आएगा, वो कर्जा आपकी जमीन को डूबेगा और उस दिन आप रोड पे होंगे। ये षड्यंत्र है कि कीमत पर दो कर्जा दे दो। एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लेके आई। इन्होंने कहा है कि वो जमीन पे नहीं ऋण ले सकता जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन आप फसल पे ऋण ले सकता। उसमें कहीं नहीं लिखा कि वो ऋण कहां चढ़ेगा। जो आदमी आपकी जमीन पे खेती कर रहा वो कर्जा लेगा, वो आपकी फरज में चढ़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्टर वो अपना करार पूरा होने के बाद वहां से चला जाएगा। पटवारी के यहाँ जाके जिस दिन फरज मांगोगे, पटवारी कहेगा पहले कर्जा क्लियर कर दे, हमें नहीं पता ठेकेदार दे रहा था, तू दे या वो दे। हमारे उसमें अभी